5 अगस्त ऐतिहासिक दिन, जब आज सभी लोग खुशियां मना रहे हैं कि आज ही के दिन आर्टिकल 370 यहां से हटा था। लेकिन क्या अपनी खुशी में हम उन सभी गाइडलाइंस को, 1920 को दरकिनार कर देंगे जिस वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है और जो खतरा बन सकती हैं? ऐसा ही कुछ नज़ारा आज देखने को मिला डोगरा चौक में, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 5 अगस्त की खुशी मनाने के लिए बाइक्स पर एक रैली की शक्ल में निकले। इन लोगों ने किसी भी गाइडलाइन का या कोई भी एसओपी को फॉलो नहीं किया। जब पुलिस ने इन्हें रोका तो वहां पर कुछ झड़प भी हुई और पुलिस ने कुछ बाइक्स को वहां पर सीज कर लिया। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? अगर एक आम आदमी बाइक पर ट्रिपलिंग करके निकलता है तो उसका हैवी चलान होता है, उसकी बाइक सील कर ली जाती है। लेकिन क्या इन कार्यकर्ताओं की सिर्फ बाइक वहां पर कुछ देर के लिए रखी गई है और इन सभी को जाने दिया? क्या इनका डिटेंशन नहीं बनता था? क्या बीजेपी अगर सत्ता में है तो वो कुछ भी कर सकती है? क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये फर्ज नहीं बनता कि वो भी उन सभी गाइडलाइंस, उन एसओपीज को फॉलो करें जो कि सरकार द्वारा जारी की गई हैं, ताकि इस महामारी के समय में कोरोना वायरस को फैलने से बचा जा सके? क्या इनकी सेलिब्रेशन में हर गाइडलाइन को दरकिनार करना सही है? बीजेपी की इस रैली में ना तो किसी गाइडलाइन को फॉलो किया गया और ना ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया। टू व्हीलर पर सवार लोगों ने ना तो हेलमेट पहनी हुई थी, ट्रिपलिंग की हुई थी और ये लोग बिना किसी ट्रैफिक रूल को फॉलो किए ही इस रैली की शक्ल में आगे बढ़ते जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने फिर फाइनली डोगरा चौक में रोका और इनकी बाइक्स को सीज किया। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम लोग अगर इस खुशी का इजहार करते हैं, वायलेशन नहीं कर रहे हो आप, खुशी का इजहार करते हैं और विद प्रॉपर हम लोग एक तो हमारे मास्क पहने हैं, हेलमेट किसी ने नहीं पहने हैं, दूसरी बात जब भी ये खुशी के मौके होते हैं और उसमें जब आप सड़क परिवहन का पूरा वायलेशन कर सकते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हुए, हम उसका पूरा पालन करते हुए हम लोग एक खुशी का इजहार कर रहे थे जिसमें किसी को भी समस्या नहीं आ रही थी, उसके बाद हम लोग ये कर रहे हैं, आज हम यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई ये अनुचित है। और जो कि एक प्रक्रिया है, इसी तरीके से सभी कार्यक्रमों को मनाया जाता है और खुशी का इजहार करने में मुझे नहीं लगता जिसमें यातायात की कोई भी परेशानी नहीं आ रही हो और ना ही कोई हम क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं परंतु हम अपना काम करते रहेंगे। धन्यवाद।